और इस वक्त आपको हम बड़ी खबर बताएं, 50 खबरों के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पुंछ के पास LOC में ये सीज फायर तोड़ा गया। 24 घंटे के अंदर ये तीसरी बार सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया है। नौगाम शौजियां मेंढर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है, हंदवाड़ा के नौगाम में भी सीमा पार से फायरिंग हुई। इससे पहले भी जब इस तरह से पाकिस्तानी सेना की तरफ से इंडियन पोस्ट पर फायरिंग हुई है तो उसको अक्सर इसी तरह से देखा गया है कि उसकी आड़ में घुसपैठी भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होते हैं। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर संदिग्धों को सीमा के करीब देखा गया है घुसपैठ की कोशिश में। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तीसरी बार पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में पहले से ही तनाव बरकरार और ऐसे में बैठकों के कई दौर भी जारी हैं। दिल्ली में आज एक और अहम बैठक होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से यह खबर आ रही है जहां पर मोर्टार और दूसरे हथियारों के जरिए सीमा पार से फायरिंग हुई, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। नवाज राहिल की बैठक के बाद ये उल्लंघन और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ मानी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशरफ, पिछले 24 घंटे में ये तीसरी बार सीज फायर तोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से, और क्या डिटेल्स इस पर अभी आ रही है? अशरफ, पिछले 24 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, अभी क्या स्टेटस है? मेरा किसी तरफ से ये ताजा जो सीज फायर वायलेशन हुई है ये जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में हुई है जहां पिछले 7 दिन से लगातार तनाव चल रहा है। वहां पर सेना का एक बड़ा अभियान चल रहा था घुसपैठियों के खिलाफ, क्योंकि शक जताया जा रहा था कि वहां पर कई घुसपैठी जो है घुसपैठ की शराब में है। उसी के मद्देनजर वहां पर सेना की एक कार्रवाई पिछले 4 दिन से लगातार चल रही थी, लेकिन आज सुबह करीब 4 बजे वहां पर अंधाधुन गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई उसी शिद्दत के साथ भारतीय सेना ने भी की है। जैसे आपने कहा, पिछले 24 घंटों के दौरान जिस अंदाज से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है नियंत्रण रेखा पर, कहीं ना कहीं साफ जताता है कि किस अंदाज से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो है वो अपनी सीमा पर पहुंचा है और ये तनाव कई इलाकों में नियंत्रण रेखा पर बना हुआ है। जी शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। नौगाम शौजिया मेंढक ये तीन जगह जहां पर सीज फायर तोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ से, 24 घंटे में ये तीसरी बार फायरिंग हुई। मोर्टार से हमला किया गया, भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया। चलिए यहां हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पठानकोट जहां पर मंगलवार को 4 संदिग्धों को देखा गया, वहां किस तरह से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन।